पूछा? तुम इस तरह? तुम तो शरीफ लड़की थी, अचानक वक्त ने तुम्हें इतना गिरा दिया, और तुम्हारी तो शादी भी। कभी सोचा है इस सच्चाई के बारे में? जब तुम्हारे पति को पता चलेगा तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा अनिकेत, क्योंकि मेरे पति ने मुझे यहां खुद भेजा है। उन्हें किसी भी कीमत पर सक्सेना साहब से ये टेंडर चाहिए था, और मैं यहां इस टेंडर की कीमत चुकाने आई हूं। ये पहला टेंडर नहीं है, ऐसे बहुत से टेंडर मैंने अपने पति को दिलवाए हैं। मांग में सिंदूर देख रहे हो, ये मंगलसूत्र, इसे पहन के औरत पत्नी बन जाती है ना, मगर मैं एक तवायफ से भी बदतर जिंदगी जी रही हूं। अनिकेत, तुमसे एक विनती करती हूं, सुभाष से जाके सब मत कहना। नहीं कहूंगा, मगर तुम जाकर अपने पति से मेरी एक बात जरूर कहना, कहना कि जिस तरह मजहब इस्लाम में हराम है सुअर खाना, जिस तरह हिंदू धर्म में पाप है गाय खाना, इन सबसे बड़ा गुनाह है मर्द होकर किसी औरत के जिस्म की कमाई खाना। उससे कहना मेरी यह बात। अरे इंजीनियर साहब, जनाब आप तो बहुत ही शर्मीले निकले। बहती गंगा में हाथ धोने का मौका था और वो भी आपने गवा दिया। खैर, ये कबूल कीजिए। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? रिश्वत? रिश्वत कहकर आप इसे बदनाम मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह सुंदरी के भी 108 नाम है, जैसे पंजाब में इसे इनाम कहते हैं, लखनऊ में इसे नजराना कहते हैं, बंबई में इसे मिठाई कहते हैं, मद्रास में कभी किया नहीं। अब तमिल और तेलुगु में इसे क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता। तमिल और तेलुगु में इसे क्या कहते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, मगर इतना जरूर जानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की हर जबान में इसका जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए। ये किस आदमी को इंजीनियर रख दिया है तुमने? लात मारता है और वो भी कहीं भी? अरे वो तो सक्सेना साहब थे, रिश्वत का नमक खाया है, सह गए। इनके बजाय कोई हमारा डैम होता तो टूट जाता ना। कहता है ऐसे पुल बनाओ जो हजारों साल चले। अरे पुल नहीं गिरेंगे तो हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट गिर जाएगी ना। सक्सेना साहब की सीमेंट वापस करवा दिया, कहता है इसमें रेत की मिलावट है, सबका सामान वापस करवा रहा है। अगर यही इंजीनियर रहा तो हम सबको कटोरा लेकर किसी सिग्नल पर भीख मांगनी पड़ेगी। 10 पैसा दे दो। भीख तो हमें कोई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा इंजीनियर वहां भी पहुंच जाएगा और कहेगा ये कटोरा ठीक नहीं है, इसमें भी मिलावट है। आदर्श, इसका कुछ करो वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग अपना सामान भिजवाइए, काम मैं शुरू करवाता हूं। जी साहब। आदर्श साहब कह रहे हैं काम शुरू करो। मैंने करवाया है ये काम, मैंने, और यहां काम ऐसे ही होगा क्योंकि मैं यहां कारोबार करने बैठा हूं, देश सेवा नहीं। बड़ा दुख हुआ तेरी ये बातें सुनकर। बाबूजी ने कितने प्यार से तेरा नाम आदर्श रखा था, ये सोचकर कि तू उनके बताए हुए आदर्शों पर चलेगा, मगर तूने तो अपने नाम का मतलब ही बदल दिया। हाँ बदल दिया, क्योंकि मैंने यही देखा है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है अनिकेत। जो भी देती है बुरा बनने के बाद ही देती है। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। आज तेरी नजरों में सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। सच्चाई? सच्चाई की बात मत कर अनिकेत। बाबूजी ने हमेशा सच्चाई का पाठ पढ़ाया, लेकिन क्या हुआ? 2 दिन तक रास्ते पर पड़ी सड़ती रही उनकी लाश,
एक आदमी नहीं मिला उस सच्चाई की अर्थी को कांधा देने के लिए, एक आदमी नहीं। तुझे एक आदमी नहीं मिला उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए, मगर मैं कैसे भूल सकता हूं कि बचपन में जब मैं भूख से बिलग रहा था, मुझे एक आदमी मिला था, बाबूजी, जिसने मुझे खाने के लिए रोटी दी, सर पर छत दी। आदर्श, मेरी ये जिंदगी बाबूजी का कर्ज है, इसे जब तक मैं जिंदा हूं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा मैं। उस रास्ते पर तुझे दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा अनिकेत। सच कह रहा है तू आदर्श, एक बहुत बड़े दुख का सामना तो मुझे अभी करना पड़ेगा। तुझे छोड़कर जा रहा हूं मैं। मुझे माफ करना मां, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। तो मुझे माफ करना अनिकेत, मां के फर्ज के नाते मैं मजबूर हूं, मैं इस घर को छोड़ नहीं सकती। तेरे बाबूजी कहा करते थे अक्सर घर छोटा होने की वजह से परिवार पट जाते हैं, मगर आज देख रही हूं मेरा परिवार इसलिए बढ़ रहा है कि घर बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन तू जा बेटे, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तू जा। मैंने नहीं, उसने छोड़ा है मेरा साथ, उसने कुछ ख्याल नहीं किया, उसने दोस्ती का, बचपन के साथ का, बस बस यूं ही चला गया। क्या समझता है वो, मैं जी नहीं सकता उसके बिना। ईमानदारी की बातें करता है, भूखा मरेगा। अरे जब भूख लगती है ना तो पेट ये नहीं पूछता कि ये रोटी ईमानदारी की है या बेईमानी की। विदेश से लौटने के बाद कहीं काम किया है तुमने? जी आदर्श कंपनी में। वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां से क्यों निकाल दिया गया तुम्हें? हाँ हाँ, डरो मत अनिकेत, सच सच बोलो। सच तो यही है सर कि आजकल लोग सच डर डर कर ही बोलते हैं। लेकिन मिस्टर अनिकेत, देखिए सर, मेरे डिग्री और सर्टिफिकेट आपके सामने पड़े हैं, आप देख लीजिए ना, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना मैं बाहर खड़ा हूं। ऑल राइट मिस्टर अनिकेत। थैंक यू सर। ये आदमी बड़ा बदतमीज लगता है, शायद सच्चा है इसलिए। लेकिन सर, जो आदमी उस मिनिस्टर की सिफारिश लेकर आया था उसका क्या होगा? हम सरकारी बड़ी नौकरियां अगर यूं ही रिश्तेदारी और सिफारिश के बिना पर देते रहें तो काबिल लोगों का क्या होगा? यही एक अकेला उम्मीदवार है जिसके पास ना कोई सिफारिश है ना ही कोई हवाला, लेकिन डिग्रियां सबसे ज्यादा। यह नौकरी हम अनिकेत को ही देंगे। गुड्डी। गुड इवनिंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो, एक्सटूडेंट फंक्शन शुरू होने वाला है। सर आप अंदर चलिए, मैं अनिकेत पूजा सुभाष का इंतजार कर रही हूँ, वो लगाएंगे तो हम सब साथ मिलकर मजा करेंगे। जा कर ले मेरी जान, फिर से न होंगे जवान। आके मिलो डार्लिंग, दिल में है तूफान। मजा कर ले मेरी जान, मजा कर ले मेरी जान।
हो गई थी तुम? अपने साथियों का इंतजार कर रही थी। फंक्शन खत्म हो गया मगर देखो ना कोई नहीं आया। अब शायद वो लोग नहीं आएंगे। वैसे गुड्डी मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ। ये खुशखबरी लेकर तुम माँ के पास नहीं जाओगे? नहीं, मैं अगर माँ के पास गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा मैं, और मैं आदर्श, पूजा और सुभाष की तरह टूटना नहीं चाहता। लड़ूंगा वक्त से, बदल दूंगा हालात। आदर्श सेठ, ये रही साबरा के घर की चाबी। आज उसके घर के दरवाजे खुद उसी के लिए बंद हो गए। सर, ऑफिस, फैक्ट्री, मिल, आखिर सब कुछ तो बिक गया। आज ये घर भी गया, अब आप रहेंगे कहां? साबरा अभी तक टूटा नहीं, मेरा फार्म हाउस अब भी है, मैं वहां जाकर रहूंगा। हे, ये किसकी गाड़ी है? तुम? हां साबरा, मैं। कैसा लग रहा है बेघर होने के बाद? तेरा घर मैंने खरीद लिया तो तू ही है मेरी बर्बादी का जिम्मेदार। हाँ साबरा, मैं ही तेरी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। तेरे टेंडर्स मैंने ही दूसरे को दिलाए, तेरी मिल मैंने ही खरीद ली। याद कर साबरा, बिना छत मेरे बाप की लाश 2 दिन सड़क पर सड़ती रही। याद है? अगर याद नहीं आया तो ये देख।